दूसरी चीज, जब अयोध्या का विषय चल रहा था, राम मंदिर का विषय चल रहा था, उस समय भी ऐसे ही कहा जाता था कि भाई ये सब प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पर एएसआई की रिपोर्ट सामने आई और कोर्ट में सारा विषय रखा गया, उसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसलिए साफ तौर पे कह दिया है कयामत तक वहाँ मस्जिद रहेगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ हिला दिया जाए। देखिए, कयामत तक तो ओवैसी खुद नहीं रहने वाले हैं और ओवैसी की बातों को देश गंभीरता से नहीं लेता है। नहीं, हिंदुओं और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया है। सबसे पहली चीज, कांग्रेस को अधिकार किसने दिया ऐसा कोई काला कानून बनाने का कि जिसमें हिंदू पीड़ित होने के बावजूद, जिसके केवल हिंदू ही नहीं, औरंगजेब ने तमाम गुरुद्वारों को भी तोड़ा, बौद्ध स्थलों को भी तोड़ा, जैनों के भी मंदिरों को तोड़ा, उसमें कायदा ऐसा बनाया गया कि पीड़ित पक्ष कोर्ट में भी नहीं जा सकता। तब तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के लिए एक अवसर है। जिस हिंदू समाज ने उन्हें पूरे अपेक्षा के साथ, पूरी उम्मीद के साथ उन्हें चुना है और पूरी दुनिया को एक 56 इंच का सीना दिखाने का एक अवसर है, जिस हिंदू समाज ने उन्हें चुना है, ये आप उनको बता सकते हैं कि हाँ, आप जा करके एक न्यायोचित काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। वाराणसी का वो मुद्दा जो इसमें संपूर्ण भारत में प्रचंडतापूर्वक उठ चुका है, वाराणसी का वो मस्जिद जिसे ज्ञान व्यापी कहा जा रहा है, वहाँ पर आज शिवलिंग प्राप्त हुआ है 12.8 फीट का। हालांकि मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहना है कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, सिर्फ वहाँ पर एक फव्वारा था। उसके बाद में बाहर खड़े हुए कुछ भक्तों ने वहाँ जय जयकार के नारे लगाए शुरू कर दिए, हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन जो वहाँ पर वकील थे, एडवोकेट थे, जो हिंदुओं की तरफ से पैरवी कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुई है, इसके अलावा तमाम अवशेष और प्राप्त हुए हैं। ये सारे अवशेष और सारी रिपोर्ट्स अब कोर्ट में पेश की जाएगी। लेकिन उसके पहले हिंदुओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और आखिर इस पर उनकी हर्ष, उनकी उमंग, उनकी अभिलाषा, उनकी आस्था किस प्रकार है, इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे उपस्थित हैं शिव कुमार पांडे जी, जो राष्ट्र प्रथम के संस्थापक हैं। उन्होंने इस संगठन को आगे बढ़ाया और संचालित कर रहे हैं। क्या लगता है शिव कुमार जी, जिस तरीके से ज्ञान व्यापी में एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है, क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? देखिए, प्रतिक्रिया तो यही है, आप जैसा कि आपको पता है कि केवल एक ज्ञानवापी ही नहीं, आप अगर देखें तो मथुरा में भी जो कृष्ण लला का जो जन्म स्थान है, उस पर भी अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है। तो ये तो जो एक वहाँ पर शिवलिंग मिला है, ये तो केवल एक झांकी है। ऐसे 40,000 से अधिक मंदिर हैं जिनको तोड़ तोड़ कर उस पर मस्जिदें बनाई गई हैं। तो ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर वहाँ बताया गया जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि ये प्रोपेगेंडा है, वहाँ पर एक फव्वारा था, वहाँ से पानी निकल रहा था और वैसा कुछ भी नहीं था, वहाँ कोई अवशेष नहीं मिला, इसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब कोर्ट ने आदेश दिया था कि अंदर जा कर के जाँच होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, तो उसके बावजूद वहाँ का मुस्लिम समाज एकत्रित होकर के जाँच नहीं होने देना चाहता था। इसका अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका। दूसरी चीज़, जब अयोध्या का विषय चल रहा था, राम मंदिर का विषय चल रहा था, उस समय भी ऐसे ही कहा जाता था कि भाई ये सब प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पर एएसआई की रिपोर्ट सामने आई और कोर्ट में सारा विषय रखा गया, उसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उसी तरह से ज्ञानवापी में भी ऐसे ही होना है। ओवैसी ने साफ तौर पर कह दिया है कयामत तक वहाँ मस्जिद रहेगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ हिला दिया जाए। 1991 का कानून का हवाला देते हुए उन्होंने साफ तौर पर बात कह दी, कयामत तक मस्जिद रहेगी। देखिए, कयामत तक तो ओवैसी खुद नहीं रहने वाले हैं और ओवैसी की बातों को देश गंभीरता से नहीं लेता है। राम मंदिर के विषय पर भी ओवैसी ऐसे ही कहा करते थे, पर अब जब मंदिर बन रहा है और उनके आंख के सामने बन रहा है, कयामत देखने के लिए तो शायद वो जिंदा नहीं रहेंगे, पर मंदिर, राम मंदिर बनते वो देख रहे हैं और उसी तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर को भी वो अपने आँख के सामने बनते देखेंगे। नहीं, क्या लगता नहीं आपको 1991 के कानून के अनुसार कि भी किसी मंदिर, मस्जिद, जो वर्शिप है, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, उस पर कोई फेरबदल नहीं करना चाहिए, उसके ढांचे को ढहाना नहीं चाहिए, सारा कुछ 1991 के उस कानून के तहत लिखा हुआ है जो नरसिंहा राव के कार्यकाल के दौरान बना हुआ था। तो उस मसले को देखा जाए तो ये तो छेड़खानी कर रहे हैं आप लोग, एक प्रकार से कहीं ना कहीं हिंदुओं और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं आप लोग।
नहीं, हिंदुओं और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया है। सबसे पहली चीज, कांग्रेस को अधिकार किसने दिया ऐसा कोई काला कानून बनाने का कि जिसमें हिंदू पीड़ित होने के बावजूद, जिसके केवल हिंदू ही नहीं, औरंगजेब ने तमाम गुरुद्वारों को भी तोड़ा, बौद्ध स्थलों को भी तोड़ा, जैनों के भी मंदिरों को तोड़ा, उसमें कायदा ऐसा बनाया गया कि पीड़ित पक्ष कोर्ट में भी नहीं जा सकता। इस विषय को अगर जब पीड़ित कोर्ट में नहीं जाएगा तो न्याय कैसे लेगा? इसका मतलब कांग्रेस चाहती थी कि पीड़ित पक्ष जो है वो लड़े झगड़े सड़कों पर उतरे और एक दिन ऐसा है कि भारत में गृह युद्ध हो जाए। तो इस वजह से कांग्रेस ने ऐसा एक काला कानून लेकर के आया है जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है, और मुझे ऐसी पूरी अपेक्षा है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर न्याय करेगी, क्योंकि कोर्ट जाने का अधिकार तो सबको होना चाहिए। आपको लगता नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अगर आप कह रहे हैं काला कानून था, तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हिंदुत्व के मसले पर जैसे जैसे वो आगे आ रहे हैं, वैसे कहा जाता है कि हिंदुत्व की पैरवी करते हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं, क्या आपको लगता नहीं संसद के अंदर उन्हें ही कानून वापस ले लें? वो कहते हैं कि ये इसे वापस लेते हैं और फिर नए सिरे से लोग कोर्ट में चले जाएंगे, आगे बात कर सकते हैं ना? नहीं, देखिए बिल्कुल, अब अगर कोर्ट के माध्यम से इस चीज़ का फैसला नहीं आता है, तब तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के लिए एक अवसर है। जिस हिंदू समाज ने उन्हें पूरे अपेक्षा के साथ, पूरी उम्मीद के साथ उन्हें चुना है और पूरी दुनिया को एक 56 इंच का सीना दिखाने का एक अवसर है, जिस हिंदू समाज ने उन्हें चुना है, ये आप उनको बता सकते हैं कि हाँ, आप जा करके एक न्यायोचित काम कर रहे हैं, क्यों पीड़ितों को न्याय देने का कार्य कर रहे हैं। आज जो मंदिर इतने तोड़े गए हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमेशा गलत इतिहास पढ़ाया गया वामपंथियों के द्वारा कि भाई आर्य बाहर से आए, आर्य कभी बाहर से नहीं आए, आर्य भारत के ही रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इतने मंदिर बड़े पैमाने पर तोड़े गए जिसके तथ्य आज सामने आ रहे हैं, तो आप सोचिए हिंदुओं पर कितना अत्याचार हुआ होगा, और उसके लिए कोई मानवाधिकार, कोई संगठन आज तक खड़ी नहीं हुई। आज अगर हिंदू अपना न्याय मान रहा है तो उसको प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अब माहौल तैयार हो रहा है, क्या लगता नहीं देश में एक अलग तरीके से हिंदू मुस्लिम का माहौल तैयार हो सकता है, इससे बड़ी क्षति भी हो सकती है देश को, क्या लगता है? नहीं, ये हिंदू मुस्लिम का माहौल तैयार होने जैसी बात नहीं है। मान जाना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, मुस्लिम समुदाय को तो मानना चाहिए, वो तो मैं तो कहूँगा वो मुसलमान ही नहीं है। जो आप नाजायज ज़मीन पर, आप किसी की हड़पी हुई ज़मीन पर, आप वहाँ पर अपनी मस्जिद कायम करो, आप वहाँ नमाज पढ़ो, ये तो आपको कुरान भी मना करती है। तो अगर आप कुरान की बात नहीं मानते हो, आप अपने नबी की बात नहीं मानते हो, तो आप कैसे मुसलमान हो? आप कहने का मतलब वो मान जाए और वहाँ पर हट जाए और पूजा अर्चना करने दें? बिल्कुल, जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, जो पहले से हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, उनको एक भारत में रह रहे हैं, एक छोटे भाई की तरह आप रह रहे हो, तो उनको वो कहना चाहिए कि भाई हाँ, हमारे पूर्वजों ने गलतियाँ की, हम उसका सुधार करना चाहते हैं और हम ये सारे धार्मिक स्थलों पर से अपना कब्जा छोड़ते हैं और हम अपना कहीं और बनाएंगे। भारत देश बहुत बड़ा और भारतीयों का दिल बहुत बड़ा, हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा, आपको स्थान दिया जाएगा। ये थे शिव कुमार पांडे जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ पर शिवलिंग मिला है, अगर वहाँ ये सारी तथ्य सिद्ध हो जाते हैं कोर्ट में और वो कोर्ट अगर आदेश देता है, तो निश्चित रूप से मुस्लिमों को बात मान लेनी चाहिए और वहाँ पर पूजा अर्चना वंदना के लिए अवसर मिलना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने औरंगजेब का भी जिक्र किया। आप देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर भारत में किस प्रकार माहौल तैयार होता है और वाराणसी का ये मुद्दा कितना गंभीर और होता है। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए मैं सचिन दीक्षित, मुंबई।